नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल पर झूठ बोलकर फंस चुके हैं। हालांकि झूठ वो बार बार बोलते हैं, लेकिन ये अलग बात है कि उनके बुरे दिन चल रहे हैं और जैसे ही वो झूठ बोलते हैं वैसे ही वो पकड़ में आ जाते हैं और जनता के सामने इसका खुलासा हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल कितना झूठ की नौटंकी हैं। दरअसल हुआ क्या, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी अब ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल के में रहने के दौरान 7 किलो वजन कम हो गया था, जबकि अरविंद केजरीवाल हट्टे कट्टे थे और हट्टे कट्टे होकर वापस आए। ये वो अरविंद केजरीवाल नहीं थे जो कूद के खंभों पर चढ़ जाते थे और बिजली का तार काटा करते थे। अब ये वो वाले अरविंद केजरीवाल नहीं है। अब इनसे 4 कदम नहीं चला जाता है, इतने मोटे ताजे हो गए। फ्री का मुफ्त का माल पेल पेल कर घोटाले कर 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 दिल्ली के खजाने को लूट के, और ये सब झूठ मक्कारी के कारण ये बहुत हट्टे कट्टे मोटे हो गए। तो ये जो जिस तरीके से इनके बारे में झूठ बोला गया, और सबसे बड़ी बात ये है कि मैक्स के डॉक्टरों से बाकायदा एक फर्जी रिपोर्ट बनवाई गई। मैक्स के डॉक्टर प्राइवेट डॉक्टर, जबकि अदालत में कहीं पर भी प्राइवेट डॉक्टरों का या प्राइवेट अस्पतालों की रिपोर्ट नहीं चलती है। ये भी आपको झोल बता देते हैं, हम कानूनी रूप से नहीं मानते हैं, वो सरकारी अस्पतालों की रिपोर्ट मानी जाती है, सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों की रिपोर्ट मानी जाती है। तो केजरीवाल ने मैक्स के डॉक्टरों से एक फर्जी रिपोर्ट तैयार कराई और उसमें एक गंभीर बीमारी के कैंसर जैसे लक्षण बताने के बाद उनके बारे में इनसे जमानत की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की गई ताकि वो टेस्ट करा सकें। हालांकि कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब 2 तारीख को डिसाइड हो गया कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल जाएंगे और वहीं पर बैठकर अपनी पार्टी का सूपड़ा साफ होते हुए देखेंगे, आंसुओं से रोएंगे और कोई आंसू उनके देखने वाला या पहुंचने वाला नहीं होगा। हालांकि वहां पर गार्ड वार्ड है, उनसे पूछवा लीजिएगा आंसू, पैसे वैसे देंगे, लेकिन पहुंचने वाला नहीं होगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल फिनिश हो जाएंगे। और जो सबसे ज़्यादा खुश होंगे वो होंगे मनीष सिसोदिया, क्योंकि मनीष सिसोदिया ऐसे व्यक्ति हैं जिनको एक बार जेल गए तो आज तक बाहर नहीं आ पाए, सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की गद्दारी के कारण। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही वो शख्स हैं जो अपना जिस आदमी को गले लगाते हैं उसके पीठ में छुरा घोंप देते हैं, तो मनीष सिसोदिया भी उसी के कायल है। तो हम आपको बताते हैं, जब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ये झूठ बोल रही थी कि देखिए उनका वजन कम हो गया, तो तिहाड़ जेल ने बाकायदा डेटा जारी कर दिया। तिहाड़ में रहने के दौरान 1 अप्रैल से 9 मई तक के वजन का उनका जो डाटा जारी किया गया वो केजरीवाल का, 1 अप्रैल को जब जेल गए थे तो उनका वजन 65 किलोग्राम था, 29 अप्रैल को 66 किलोग्राम था और 9 मई को 64 किलोग्राम वजन था। आप समझिए, यानी कि अब तिहाड़ जेल में 9 मई को 64 किलोग्राम वजन था, यानी कि 1 किलो वजन का हेर फेर आगे पीछे चल रहा है, जो उनका इसलिए भी कम हुआ कि वो रैलियों में लगातार थे और टेंशन में बहुत ज़्यादा थे, इसलिए भी उनका हो गया। लेकिन पार्टी बहुत जल्दी इस बात पे, क्योंकि उनको अंतरिम जमानत बाहर रहने के लिए सारे ड्रामेबाजी की जा रही थी, और इतना तक दावा कर दिया, जो आम आदमी पार्टी की आतिशी मारलेनो है, जानते ना आप आतिशी मारलेनो को, जी हाँ, मंत्री जी जो मनीष सिसोदिया के सारे विभाग छीन लिए उसने, कुर्सी छीन ली, वो आतिशी मारलेनो दावा करती हैं कि केजरीवाल के चिकित्सकों ने उन्हें कैंसर, गुर्दे की बीमारियों और हृदय संबंधी रोगों से जुड़ी जांच करने की सलाह दी है। बताइए कितनी गंभीर बीमारियां बता रही हैं। और आतिशी ने कहा, ईडी अंतरिम जमानत अर्जी का विरोध क्यों कर रही है, क्यों नहीं करेगी ईडी को, मतलब ये भी अब यही बताएंगे कि ईडी क्यों विरोध कर रही है, भाजपा का इसका विरोध क्यों कर रही है, अरे क्यों नहीं करेगी, कांग्रेस को पागल बना दिया तो भाजपा को थोड़ा पागल बना लोगे। मैं भाजपा और ईडी से पूछना चाहती हूं कि आप केजरीवाल की जांच का विरोध क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा मक्कार है। केजरीवाल झूठे नौटंकी हैं, मक्कार हैं, इसलिए विरोध किया जा रहा है और ये उनका फर्ज भी बनता है, तो इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जितनी बड़ी नौटंकी हैं उतनी बड़ी एक तरीके से झूठे और मक्कार हैं, कसमें झूठी खाते हैं, ये सबने देख लिया, जानते हैं सब लोग। तो अब जब तिहाड़ जेल पर उन्होंने झूठ बोला तो उन्हीं के अंडर में, उन्हीं की सरकार के अंडर में आने वाली तिहाड़ जेल, अपने ऊपर कोई नहीं लेता भैया,
तो तिहार जेल ने तुरंत एक डेटा जारी कर दिया अरविंद केजरीवाल के वजन से जुड़ा हुआ, जो उनका चिकित्सकीय जो बुलेटिन था जो तिहार जेल जारी करती थी उसका पूरा डेटा जारी कर दिया। बहरहाल अरविंद केजरीवाल की यह भी चोरी पकड़ी गई, ये भी मकारी पकड़ी गई और अब जेल तो जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी और जेल का पानी पीना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल तिहार जेल 2 तारीख को जा रहे हैं पक्का और बहुत लंबे समय के लिए जा रहे हैं। अगर NIA उन पर गुरपतवंत सिंह पन्नू वाला मामला खोलती है और इसमें कोई जांच में सामने आता है तो अरविंद केजरीवाल अब समझिए लंबे समय के लिए तिहार जेल के अंदर जा रहे हैं और अगले साल उनकी पार्टी नहीं रहेगी। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इतना ही नहीं, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हों और आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हों तो आप हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और आपसे कहनी है, प्लीज़ अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हों, आपको लगता हो कि खबरों में दम है, आपको लगता हो कि बंदे में दम है, तो प्लीज़ आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर 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 लिखा करें। हम आपको अपनी राय में भी शामिल करेंगे और अपनी खबरों में भी कई बार शामिल करते हैं, आप अपनी राय जरूर लिखें प्लीज़। जय हिंद, जय भारत।